नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल साइक्यूर गेमिंग पे। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ माइनक्राफ्ट के लिए सर्वाइवल की बहुत ही बढ़िया सी सीड। क्योंकि दोस्तों, ये सीड डालने के बाद आप लोग एक विलेज में स्पॉन होगी और इसी विलेज में आप लोग को एंड पोर्टल, रुइन, नेदर पोर्टल, ब्लैक स्मिथ और काफी मस्त मस्त चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी। तो चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसी वीडियोस आती रहती हैं। और दोस्तों, सीट डालते ही आप लोग विलेज के इस पार्ट में स्पॉन हो जाने वाले हो, और आप लोग को थोड़ा आगे जाने के बाद यहाँ पे एक रुइन नेदर पोर्टल देखने के लिए मिल जाएगा। और दोस्तों, इसके बाद आप लोग को इन कोऑर्डिनेट्स पर आ जाना है, और इन कोऑर्डिनेट्स पर आने के बाद आप लोग को थोड़ा नीचे जाना है, और थोड़ा नीचे जाने के बाद यहाँ पे आप लोग को चेस्ट मिल जाएगा जिसके अंदर थोड़ी बेसिक सी लूट है। बाकी दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को एक ज़ॉम्बी स्पॉनर देखने के लिए मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग अपना एक्सपी फार्म बना सकते हो। तो दोस्तों, इसके बाद आप लोग को इन कोऑर्डिनेट्स पर आ जाना है, और इन कोऑर्डिनेट्स पर आने के बाद आप लोग को थोड़ा नीचे जाने के बाद यहाँ पे आप लोग को केव स्पाइडर स्पॉनर देखने के लिए मिल जाता है। और ये पूरा एरिया कॉबवेब से पूरा घिरा हुआ रहेगा, तो आप लोग को थोड़ा संभल के आना पड़ेगा, नहीं तो कॉबवेब में अटक जाओगे। उसके बाद दोस्तों, आप लोग को एक ब्लैक स्मिथ का घर मिलेगा, तो आप लोग को इसके घर में आ जाना है। और यहाँ पे चेस्ट में देख सकते हो काफी सारे डायमंड और ऑब्सीडियन है, तो इसके बाद आप लोग को थोड़ा पीछे की तरफ में आना है, और यहाँ पे आप लोग को इन कोऑर्डिनेट्स पर आ जाना है। और इन कोऑर्डिनेट्स पर आने के बाद आप लोग को चले जाना है नीचे की तरफ, और यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा एक केव स्पाइडर स्पॉनर, और यहाँ पे आप लोग अपना एक्सपी फार्म बना सकते हो। इसी स्पॉनर के अगर आप लोग थोड़ा सा लेफ्ट साइड में जाओगे, तो यहाँ पे आप लोग को एक माइंड कार्ट विद चेस्ट देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर थोड़ी बेसिक सी लूट मिल जाएगी। दोस्तों, उसके बाद आप लोग को आ जाना है इन कोऑर्डिनेट्स पर, और इन कोऑर्डिनेट्स पर आने के बाद आप लोग को चले जाना है -27 तक, और यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा स्ट्रॉन्ग होल्ड। और अगर यहीं से आप लोग अगर पीछे की तरफ में जाओगे, और थोड़ा सा आगे जाने के बाद अगर लेफ्ट साइड में जाओगे, तो यहाँ पे आप लोग को एक लाइब्रेरी मिल जाएगी, जिसके अंदर बहुत सारी मस्त मस्त एंचांटमेंट है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो। और ये तो हो गया नीचे का, अब इसके बाद चले जाना है आप लोग को थोड़ा ऊपर की तरफ में, और यहाँ पे एक ब्लॉक को तोड़ने के बाद चेस्ट खोलेगा, और चेस्ट में आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा अनब्रेकिंग 3। और इसके बाद आप लोग को आ जाना है नीचे की तरफ, और नीचे में थोड़ा आगे जाने के बाद यहाँ पे आप लोग को चले जाना है आगे की तरफ में, और यहाँ से लेफ्ट साइड में जाके थोड़ा और आगे जाओगे, तो यहाँ पे आप लोग को चेस्ट मिल जाएगा, जिसके अंदर आप लोग को 3 एमरल्ड देखने के लिए मिल जाते हैं। और इसके बाद आप लोग यहाँ पे आगे, तो यहाँ पे भी आप लोग को एक लाइब्रेरी देखने के लिए मिल जाती है, जिसके अंदर आप लोग देख सकते हो काफी मस्त मस्त एंचांटमेंट बुक्स है, और इससे आप लोग एंचांटमेंट कर सकते हो। और दोस्तों, यहाँ पे आप लोग ऊपर में भी देख सकते हो काफी मस्त मस्त एंचांटमेंट बुक्स यहाँ पे भी पड़ी है। यहाँ पे देख सकते हो पार्सिंग 3 है, प्रोडक्शन 3 है, फेदर फॉलिंग 4 है। और दोस्तों, इसके बाद आप लोग को आ जाना है इन कोऑर्डिनेट्स पर, और इन कोऑर्डिनेट्स आने के बाद आप लोग को चले जाना है -15 तक स्ट्रेट डिग डाउन करते हुए, और यहाँ पे आप लोग को 4 डायमंड देखने के लिए मिल जाता है, जिससे आप लोग अपना आर्मर वगैरह बना सकते हो। और दोस्तों, इसके बाद आप लोग को इन कोऑर्डिनेट्स पर आ जाना है, और इन कोऑर्डिनेट्स पर आने के बाद आप लोग को स्ट्रेट डिग डाउन करते हुए y=0 तक चले जाना है, और यहाँ पे आप लोग को 3-3 डायमंड देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर आप लोग ऊपर साइड में देखोगे, तो यहाँ पे आप लोग को आयरन भी देखने के लिए मिलेगा, तो इसको भी आप लोग यूज कर सकते हो। और दोस्तों, इसके बाद आप लोग को आ जाना है इन कोऑर्डिनेट्स पर, और इन कोऑर्डिनेट्स पर आने के बाद आप लोग को स्ट्रेट डिग डाउन करते हुए y=3 तक चले जाना है, और यहाँ पे आप लोग को 5 डायमंड और देखने के लिए मिल जाता है। और दोस्तों, इसके बाद आप लोग को आ जाना है विलेज के यहाँ पे रुइन नेदर पोर्टल को बिल्ड कर लेना है, और यहाँ पे चेस्ट में भी थोड़ी बेसिक सी लूट है। इसके बाद चले जाना है आप लोग को नेदर में, और भाई ये तो नेदर की वही जगह है जहाँ पे मैंने एक और वीडियो में बनाया था, मतलब कि अगर आप लोग जाके मेरी वीडियोस को चेक करोगे, तो इसमें शायद लास्ट, सेकंड लास्ट या फिर थर्ड लास्ट वीडियो में यही जगह पे मैं आया था। और इसके बाद आप लोग को आगे की तरफ में आने के बाद यहाँ पे आप लोग को बेस्टिन देखने के लिए मिल जाता है, और इसमें काफी मस्त लूट होने वाली है। इसके बाद दोस्तों, आप लोग को आगे की तरफ में आना है, और यहाँ पे आप लोग को एक ब्लेज स्पॉनर देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे आप लोग अपना एक्सपी फार्म बना सकते हो और ब्लेज भी इकट्ठा कर सकते हो। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसी वीडियोस आती रहती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सीट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।